Assalamualaikum, मैं सुलेखा अल्फा सुलेखा's किचन से। तो चलिए आज बनाते हैं थोड़ी सी हटके रेसिपी। मटन की रेसिपी है, क्रिस्पी मटन पकौड़ा। बहुत ही मजेदार बनती है, डिलिशियस बनेगी घर पर। अच्छा, मैंने चिकन पकौड़ा भी बनाई है क्रिस्पी वाली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी क्विकली विदाउट टाइम वेस्ट किए। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है आधा किलो मटन बोनलेस, चर्बी निकाली हुई है। दो तीन पानी से धो के नितारने के लिए छन्नी के ऊपर मैंने रख दिया था 10-15 मिनट पहले। अच्छा, मैंने है ना मीडियम साइज़ की पीसेस किए, आप चाहें तो बड़े पीसेस कर सकते हैं। आपको भी पता है कि मटन पकने के बाद थोड़ा श्रिंक हो जाता है, साइज़ में थोड़ा छोटा हो जाता है, बट अगर आपको थोड़े इसी साइज़ के रखने हैं तो आप थोड़े बड़े पीसेस बनाइएगा। चलिए, अब इसे कुकर में डाल दीजिए। कुकर में आप 3/4 कप जितना पानी डाल दीजिए, चुटकी भर नमक भी डाल दीजिए, और थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, आप चाहे तो 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए, और सबसे पहले तो एक बार मिक्स कर लीजिए और कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और इसे फास्ट आंच पर 1 से 2 सीटी खिला लीजिए। जब 1 से 2 सीटी हो जाए तो 15 मिनट के लिए स्लो आँच पर रहने दीजिए। 15 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद और एकदम कम्प्लीटली प्रेशर निकल जाने दीजिए। जब कम्प्लीटली प्रेशर निकल जाए, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पानी सूख चुका है। अब चेक कर लीजिए, तकरीबन 90-95% हमारा गोश्त गल जाना चाहिए। देखिए, परफेक्टली 90-95%, इनफैक्ट 95% गल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा पानी है, मैं रहने देती हूँ तकरीबन 2-3 टेबल स्पून जितना। और अगर आपके मटन में ज़्यादा पानी रह गया, कोई बात नहीं, फास्ट आंच करके सुखा लीजिएगा, लेकिन 2-3 टेबल स्पून जितना रखिएगा। हाँ, पानी एक बड़े से बर्तन में इन सारी चीज़ मटन को निकाल लीजिए, मसन के पीसेस को। 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, आप चाहें तो 1.5 भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटा चाय का चम्मच मैं काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, लेकिन आप 3/4 या 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल दीजिए, आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/2 से 1.25 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला, आप 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं, या फिर चाट मसाला नहीं डालना है तो नींबू का रस 1 छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया, और यहाँ पर मैंने है ना 3 हरी मिर्चियों को कूट कर रखा है, छोटी थी तो आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मिर्चियाँ डालिएगा, ज़रा स्वाद आएगा तो मज़ा आएगा आपको खाने में। मैंने 3 डाला है कूट कर, आप चाहें तो पीस कर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डाल दीजिए रेड फूड कलर। अब ये सारी चीज़ों को पहले तो मिक्स कर लीजिए, मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। जब आप ये मिक्स कर लें तो यहाँ पर डाल दीजिए 4 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर। अच्छा, यहाँ पर मैं चावल के आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास चावल के आटा होता ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं सारा पूरी तरीके से इसका कॉर्नस्टार्च ही डाल रही हूँ। तो आप 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च डाल दें, सबसे पहले तो मिक्स कर लें बहुत अच्छे से इसे। माफ़ी चाहती हूँ, नमक वाला शॉट आ नहीं पाया, तो इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दीजिएगा, क्योंकि हमने पहले भी बॉईल करने में नमक डाला है, ध्यान से डालिएगा। हाँ, अब यहाँ पर मैं ना 1 टेबलस्पून सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ और बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेती हूँ। सो दैट क्या है ना, इससे और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे जब हम सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे, तो जो हमारा मसाला और ये सारी चीज़ें ना बस चिटकनी चाहिए, इस कदर ही होना चाहिए। अगर आप ऐसा रखते हो ना तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप 1 से 2 टेबलस्पून और डालना चाहे पानी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस सूरत में हल्के क्रिस्पी कम बनेंगे, कोई बात नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया और डाल रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो मैरिनेट करने से साइड पर रख सकते हैं, या फिर इसी समय चालू कर दीजिए आप फ्राई करना। तेल गरम हो गया तो मैंने मीडियम आंच कर दिया, और मीडियम आंच पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर कुछ पीसेस मटन के वेल कोट करे हुए ड्रॉप कर दें ये तेल के अंदर, और इन्हें फ्राई कीजिए मीडियम आंच पर तकरीबन 3-4 मिनट उलट पलट करते हुए इन्हें फ्राई करें। जब 3-4 मिनट हो जाए और क्रिस्पी हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए चारों ओर से, तो इन्हें निकाल कर नितार कर एक छन्नी के ऊपर रख दें, टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा, नहीं तो क्रिस्पी नहीं रहेंगे। अभी देखिए कितने बढ़िया से क्रिस्पी और करारे बने हैं, मैं आपको बता नहीं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अच्छा, इसमें स्पाइस अब आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा,
चलिए अभी इसमें मैं दूसरा बैच भी डाल देती हूँ। स्पाइस के लिए है ना, मैंने हल्का कम रखा है, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 से 2 छोटे चाय का चम्मच डाल सकते हैं, आप चाहें तो काली मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच कर सकते हैं, और 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा कम कम डाला ये तीनों चीज़, और हरी मिर्चियाँ भी मैंने कम डाली हैं, आप उसका मिजान भी बढ़ा सकते हैं, 4-5 हरी मिर्चियाँ कूट कर डाल सकते हैं। चलिए अब ये वाले में मैंने क्या किया, थोड़ा सा और पानी ऐड किया है ये देखने के लिए कि अगर हम फ्राई करते हैं तो ये वाले ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं कि वो वाले, तो उस पे मैंने थोड़ा सा समझिए 1 से 2 टेबलस्पून और पानी डाला, मिक्स किया, और वो जो लास्ट वाला बचा था ना उसमें मैंने इसे ये वाले बैटर से बना रही हूँ। तो मैंने क्या देखा कि वो जो मैंने पहले बनाया था ना, मतलब जो सिर्फ 1 टेबलस्पून ही डाला था ना, वो वाले बहुत ज्यादा क्रंची और क्रिस्पी बने। अगर आपको उतने क्रंची और क्रिस्पी नहीं चाहिए तो आप 1 से 2 टेबलस्पून और पानी डालकर उसे थोड़ा सा थिक बैटर टाइप बनाकर वैसा डाल दें और वैसा फ्राई करें। दोनों ही सूरतों में हमारे पकोड़े बन जाएंगे और टेस्टी ही बनेंगे। बस क्रिस्पीनेस बस उसमें से आप एडजस्ट अपने हिसाब से करिएगा। अगर आपको ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो कम पानी डालें मेरी तरह, और अगर आपको कम क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा सा 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जितना पानी ज्यादा डाल दीजिएगा। मैंने स्पाइस ज्यादा नहीं डाला है तो चूल्हा बंद कर दिया था, उसके बाद ये तेल में मैंने डायरेक्टली 3-4 हरी मिर्चियां डाल दी है। बस कुछ सेकेंड्स के लिए ही फ्राई कीजिए और निकाल लीजिए, नहीं तो फूटेंगी तो आपके ऊपर उड़ेगा, तो संभाल कर ये वाला स्टेप बहुत एहतियाती से करिएगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है, आप सुन सकते हैं बहुत ही, और टेस्ट में भी माशाल्लाह। मैं आपको एक खोल कर दिखा देती हूँ, इनफैक्ट ये देखिए मजेदार से बने हैं और टेस्ट में तो क्या बढ़िया है माशाल्लाह। मैंने अभी खाए, बात आपसे करते करते खा भी रही हूँ, चटनी की भी मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही, लेकिन आप चाहें तो चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो ये बन गया हमारा मजेदार सा क्रिस्पी मटन पकोड़ा। अच्छा आप जब प्लेट में निकालें तो थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर छिड़क दें और मिक्स कर लें, उसके बाद ये हरी मिर्चियां इसके ऊपर डालें और कोथमीर यानी कि हरा धनिया डालें चारों ओर, मजेदार से चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की, अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए मेरे ये वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। तो फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटन सीख कबाब, एकदम परफेक्ट मटन सीख कबाब। कैसे बनाते हैं, अगर आपने ये जो वीडियो के अंदर जो मैंने बताया है उसकी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। इनफैक्ट हमारी चिकन की कैसी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट और क्विकली बन जाती है। इनफैक्ट मटन की थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन आज मैंने जो रेसिपी बनाई ना उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी। जैसे चिकन में कैसे क्विकली जल्दी पक जाती है और अच्छी टूटती भी है, वैसे ही बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट, ये साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीख बनाते हैं आज की। चलिए ये है तकरीबन 250 ग्राम मटन बोनलेस। अच्छा यहाँ पर मैंने चर्बी पूरी तरीके से निकाल दी है और चना बोटी करी है, 2-3 पानी से धो के 1-1.5 घंटा के लिए नितारने रख दिया था छन्नी के ऊपर, उसके बाद मैंने फ्रिज में डाल दिया और नेक्स्ट डे अभी मैं इसका बना रही हूँ सीख। अच्छा आपके पास प्रॉपर परफेक्टली कीमा हो तो आप कीमे का भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जब कीमा आता है ना तो वो बहुत ज़्यादा उसमें चर्बी लगी हुई आती है, और स्पेशली फूटते हमारे इसके लिए कि पानी या फिर मॉइस्चर इसका मतलब है ज़्यादा होता है या फिर कीमे के अंदर चर्बी ज़्यादा होती है, तो ये दोनों ही चीज़ मैं यहाँ हटा देती हूँ। जैसे चर्बी है ही नहीं और दूसरा है कि मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो पूरा मॉइस्चर हट जाता है। अगर आप सेम डे पे बना रहे हैं तो चाहे आप बोनलेस लें मेरी तरह या फिर कीमा लें, दोनों ही सूरतों में बहुत ही अच्छा ड्राई होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए, पानी का बिल्कुल भी कतरा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आप मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए इसे, या फिर आप चॉपर में डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए धोई हुई थोड़ी सी और सूखी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया। मैं यहाँ हरी मिर्चियाँ 2 डाल रही हूँ, ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए, बट आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। ये 2 टेबल स्पून बिरिस्ता है, ये भी डाल दीजिए। मैं कुछ कली लहसुन की 6-8 डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। अब पाउडर मसाले डाल दीजिए, 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर,
आधा छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आप चाहें तो साबुत धनिया का जो दरदरा पिसा हुआ आता है वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, मेरे पास कचली पाउडर भी नहीं है और ना ही मेरे पास कच्चा पपीता है, तो यहाँ पर मैं पका हुआ पपैया यानी कि पपीता डाल रही हूँ। एक छोटा सा पीस, उसके मैंने 3-4 पीस कर दिए, वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा पपीता हो तो 1 छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिएगा, या फिर मीट टेंडराइजर हो तो वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ मैं 2 छोटे चाय के चम्मच मक्खन डाल देती हूँ। 2 ब्रेड को हाथों की मदद से चूरा करके डाल दीजिए। अच्छा, आपने देखा नमक नहीं डाला है मैंने, राइट? क्योंकि चाट मसाले में नमक है, मैंने मक्खन डाला है उसमें नमक है, बट आप तब भी डालना चाहते हैं तो 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए। अब इसको बहुत अच्छे से पीस लीजिए मिक्सर जार के अंदर डालकर, और जब अच्छा पीस जाए तो एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए। अब बर्तन के अंदर ना ये देखिए कितना परफेक्टली पीसा गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर साइड पर कर दीजिए ये सारों को, और बीच में स्पेस कर दीजिए। बीच में आप बाटी रख दीजिए, स्टील की या फॉइल की बाटी बना के रख दीजिए, गर्मा गर्म कोयला रख दीजिए उसके अंदर, और क्विकली घी तेल या मक्खन डाल दीजिए कोयले के ऊपर, और ढक्कन ढक दीजिए इमीजिएटली, और कुछ वजन रख दीजिए। तकरीबन मैं 5-6 मिनट रख रही हूँ, आप 2-3 मिनट भी रख सकते हैं। चलिए, 5-6 मिनट हो चुके हैं। तेल का हाथ लगाकर सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद तेल का हाथ लगा लगाकर मैं तो है ना सबसे पहले इसके पोर्शंस इक्वली डिवाइड कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर 6-7 बना रही हूँ, आपके हिसाब से जितनी बड़ी या छोटी बनानी है आप उतनी मिक्सचर को डिवाइड कर लीजिए। मैंने 7 बनाई है। अब आप चाहें तो सीख आती है उसमें शेप दे दें, या फिर हाथों की मदद से शेप दे दें। मैं यहाँ कांडिया ले रही हूँ, आप चाहें तो कांडी के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लें, और ये जो हमारी एक पोर्शन है इसे लीजिए, चारों ओर फैला दीजिए कांडी के ऊपर, और इसे शेप देते जाइए सीख का इस तरीके से। और जब अच्छा आप लंबा एकदम फैला दें इसके ऊपर, तो उंगलियों की मदद से इस कदर शेप दे दें, और ये बन गई हमारी एक सीख कच्ची। इसी तरीके से सारी सीख बना लीजिए। अगर आपके पास कांडी भी ना हो, सीख भी ना हो, वो जो स्टील की आती है, तो इस तरीके से कबाबों का शेप दे दीजिए। ये देखिए मैंने ऐसा बनाया है, ऐसे ही सारे शेप दे दीजिए, और सब चलिए मैंने बना लिए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम लग रहे हैं ना परफेक्ट। आप थोड़ी देर फ्रिज में रखना चाहें तो रख सकते हैं, मैंने आधे घंटे के लिए रखा था। चलिए, अब मैं अभी फ्राइंग के लिए थोड़ा सा फ्राई पैन के अंदर तेल डाल रही हूँ और खूब सारा मक्खन डाल रही हूँ। यूजुअली मैं सिर्फ मक्खन से बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने दोनों डाला है। अच्छा, अब ये एक एक करके ये सारी स्टिक्स रख दीजिए हमारे मटन सीख कबाब की बढ़िया सी मजेदार सी, और इसे उलट पलट करते हुए इसे बार बार चारों ओर से फ्राई कर लीजिए। चूल्हा फास्ट पर ही रखिएगा, और तकरीबन समझिए ना 3-4 मिनट में तो आराम से पक जाएगी, क्योंकि हमने जो पका हुआ पपैया डाला है ना उससे आराम से पक जाएगी। तो आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस चारों ओर से डार्क स्पॉट्स आ जाए, जैसे हम ग्रिलिंग स्पॉट्स लेके आते हैं चारों ओर से आ जाए, इतनी देर में तो 3-4 मिनट में तो हमारी ये गल भी जाएगी मटन की सीख। तो इन्हें निकाल लीजिएगा प्लेट के अंदर। अच्छा, अगर आप फर्ज करो आपके पास पपैया भी नहीं है, कच्चा पपैया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसका फ्राइंग प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको वैसा प्रोसीजर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, बहुत ज्यादा लोग होंगे तो मैं वो वाला प्रोसीजर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चारों ओर से ग्रिलिंग स्पॉट्स आ गए हैं तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, और ये कांडियों में आपने नहीं रखना है, तो आप रोटी हो तो रोटी या पराठा उससे हल्के से निकाल लें हाथों से, या फिर मैंने इस तरीके से निकाला है वैसे निकाल लें। तो ये चलिए बन गए हमारे गर्मा गर्म मस्त से मटन सीख कबाब। ये देखिए आपको मैं क्लोजली एक दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप कितने माशाल्लाह लग रहे हैं, एकदम लग रहे हैं ना बाहर जैसे। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कितने सॉफ्ट है आपने देखा, और बिल्कुल भी फूटे नहीं, और कितने झटपट जल्दी बन गए। ये देखिए कितने मुलायम है आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने अल्ट्रा सॉफ्ट बने। और मेरे को तो चटनी की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने तो ऐसे ही कितने खा गए, लेकिन चटनी की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, पका हुआ पपैया जो मैंने डाला है वो सिर्फ 1 छोटा चाय का चम्मच जितना ही डाला है, आप भी उतना ही डालिएगा। ज़्यादा डालोगे ना तो बहुत भूसे भूसे टाइप हो जाएगी और वो टेस्ट नहीं आएगा आपको मटन सीख का। अच्छा, हरी मिर्चियाँ और काली मिर्चियाँ और जो लाल मिर्ची का पाउडर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा ये रेसिपी में।
अच्छा नमक मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैंने 2 छोटे चाय के चम्मच मक्खन डाला था, बटर जो वो के मेल्टेड नहीं था, तो इसका मतलब ज़्यादा ही मक्खन गया है, 2 से भी ज़्यादा गया है। और दूसरी बात, मैंने मक्खन में ही फ्राई किया और चाट मसाले में भी नमक था, तो मुझे नमक की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। बट आप थोड़ा सा नाम के लिए 1/4 छोटा चाय का चम्मच ज़रूर डाल दीजिएगा नमक। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए ये वाले वीडियो को क्विकली, और उससे ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।